रामे मंत्रिमंडल की देहरादून सचिवालय में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक सचिवालय के विश्वकर्मा बिल्डिंग में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। वहीं न्यायिक पदों के नाम को लेकर भी बदलाव किया गया है। इसके साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस के अस्तित्व पर उठे सवालों पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है, जिसके बाद फैसला लिया गया है कि राजस्व पुलिस को स्टेप बाय स्टेप तरीके से रेगुलर पुलिस में जोड़ा जाएगा। कैबिनेट बैठक में बागवानी मिशन में एंटी हेलमेट योजना में 50% और 25% राज्य देगा। वहीं नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा और अटल आवास योजना में धनराशि को पीएम योजना के बराबर देने की मंजूरी मिली है। आय लिमिट को अब 38,000 से बढ़कर 42,000 कर दिया गया है। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।